अस्सलाम वालेकुम. बेसिकली इट इज़ अ रिव्यू ऑन एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग इन ब्रांचेस ऑफ डेंटिस्ट्री. बिफोर वी मूव ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ डेंटिस्ट्री, वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. द टूथ हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर. ये जो टॉप लेयर है और एक साथ में इसकी नीचे की तरफ रूट्स होती हैं. तो टॉप लेयर जो है उसको हम कहते हैं इनामल. उसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टर लेयर होती है दांत की, जिसको कहते हैं डेंटीन. और उसके अंदर जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं पल्प चेंबर, जो कि रूट तक जाता है और क्राउन के अंदर भी थोड़ा उसका पार्ट होता है. और उसके अंदर सारी हमारी होती हैं ब्लड वेसल्स, जहाँ से ब्लड सप्लाई हमारी दांत को मिलती है. डेंटीन को कहते हैं लिविंग पार्ट, बिकॉज अगर आपको ठंडा गर्म लगता है तो दैट इज सेंसिटिविटी सारी डेंटीन से होती है. इनेमल जो है वो हमारा टोटली मिनरल कंटेंट होता है. मिनरल ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा डेवलप हो जाती है ओल्ड कैविटी में, उसके बाद हमारा सलाइवा तो मिनरल थोड़ा डिपॉजिट कर देता है और इसकी केरीज या कीड़ा जिसको कहते हैं लग जाए तो रिवर्सल में शायद चला जाए. बट अंदर से कोई स्ट्रक्चर जो ब्लड सप्लाई है वो इनेमल को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ डेंटीन को होती है. विच इज़ कहा जाता है कि दिस इज़ द लिविंग पोर्शन. और इनेमल तक जब तक हम ग्राइंड भी कर रहे हो पेशेंट को तो उसको फीलिंग नहीं होती अंटिल वी रीच द डेंटीन. तो इसीलिए फीलिंग्स में सिर्फ आपको आवाज़ तंग करती है अगर हम सिर्फ टॉप लेयर पे हों. अगर हम डीपर लेयर पे नहीं जाते तो वो तंग नहीं करती. सो इनेमल, डेंटीन और फिर पल्प चेंबर आ जाता है. उसके बाद दिस इज़ द टूथ का क्राउन, और इसके नीचे वाला इस पोर्शन को रूट कहते हैं और इस पोर्शन को क्राउन पोर्शन कहते हैं. जो रूट पोर्शन है वो बोन के साथ अटैच होता है, और बोन के साथ अटैच होने के लिए इसका पीडीएल्स कहते हैं, इसको पेरिडोंटल लिगामेंट कहते हैं. और जितना जो टूथ को सराउंडिंग एरिया है, टूथ को सराउंड कर रहा है, के साथ अटैच कर रहा है, इसको हम कहते हैं पेरियो टिशू या गम के साथ अटैचमेंट वाला टिशू. और इस साइड पे इस ऊपर इसको टॉप लेयर गम कवर कर रही होती है, और इंटरनली जो है वो बोन होती है. अब जो बोन है वो जो टॉप है वो हार्ड होती है, और जो अंदर वाली बोन की लेयर होती है वो स्पंजी होती है. कैंसिलस और स्पंजी बोन और जगहों पे भी अगर आपने पढ़ी है तो इस तरह की स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. अब इस आर्टिकल में जो मेन चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो यही है कि टिश्यू इंजीनियरिंग का डिफरेंट ब्रांचेस में क्या काम है. तो टिश्यू इंजीनियरिंग का डिफरेंट ब्रांचेस में जो काम है उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक टिश्यू इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. टिश्यू इंजीनियरिंग में बेसिकली आपके सेल्स होते हैं, सेल्स आपने लेने हैं. जैसे आपको एक और अभी सेल लेयर बना के और मल्टीपल लेयर बना के हमने हार्ट वाला आर्टिकल पढ़ा है, तो इसमें बस ये है कि इसने जो सेल लेयर्स बनानी है इस केस में वो डेंटीन को रिप्लेस करने के लिए चाहिए होंगी, पल्प चेंबर को रिप्लेस करने के लिए चाहिए होंगी, पेरियोडोंटल लिगामेंट पेरियो को रिप्लेस करने के लिए चाहिए होगी, जो सराउंडिंग टूथ है जिसको पेरियोडोंटोलॉजी भी कहते हैं, जितना सराउंड करता है दांत को स्ट्रक्चर उसको पेरियोडोंटोलॉजी फील्ड भी कहते हैं, और गम्स इंक्लूडेड होते हैं उसमें. और इसी तरह हमें जो बोन को रिप्लेस करने के लिए भी कोई स्ट्रक्चर चाहिए होगा. तो यहाँ पे भी जितनी लेयर्स हैं उसको रिप्लेसमेंट उतनी ही हमें चीज़ों से करना होगा. और जो ब्रांच हमारी पेरियो सराउंडिंग द टूथ स्ट्रक्चर से रिलेट करती है ये सारा एरिया, इसको हम पेरिडोंटोलॉजी कहते हैं, सराउंडिंग द टूथ. तो इसमें हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो रिप्लेस करने के लिए हमें जो सेल्स चाहिए और उसको ठीक करने के लिए हमें जो गम की लेयर को ठीक करने के लिए चाहिए वो हम टिश्यू इंजीनियर करते हैं. अच्छा, अभी तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया और पेरिडोंटोलॉजी ओवरऑल फील्ड क्या है वो पढ़ लिया. अब हम इसको देखते हैं कि हम क्या और चीज़ इसमें कवर हो रही है. इसमें जो इंट्रोडक्शन में चीज़ कवर हो रही है वो यही बताई गई है
कि आपकी जो टूथ डिस्ट्रक्शन होती है या उसमें कैविटी बनती है या कोई एक्सीडेंट होता है, बोन खराब हो जाती है या गम में प्रॉब्लम होता है जिसको हम पेरियोडोंटल प्रॉब्लम कहते हैं, अगर हमारे दांत पूरे रिमूव हो जाए और हमने उसको रिप्लेस करना हो तो रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री और उसको पूरे को पूरा रिप्लेस करना हो तो प्रोस्थीसिस वगैरह दी जाती है, जैसे पूरा क्राउन दे दो या पूरा जो बतीसी जिसको कहते हैं डेंचर या इस तरह की चीज़ दे दो, तो उसको या इम्प्लांट्स का लगा देना, उसको प्रोस्थोडोंटिक्स में भी हम काउंट करते हैं और प्रोस्थीसिस के डिज़ाइन डिफरेंट करते हैं, आप लोग डेंटल प्रोस्थीसिस समझ लें या हम जैसे और प्रोस्थीसिस डिज़ाइन की जाती हैं, इसी तरह वो प्रोस्थोडोंटिक्स में आ जाता है। फिर हमारे पास जो फील्ड है डेंटिस्ट्री की जिसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है वो रेस्टोरेटिव है। रेस्टोरेटिव क्या है कि आपका फिलिंग ऑफ पार्ट ऑफ टूथ, मतलब पूरा टूथ नहीं गिरा अभी या रूट अवेलेबल है या टूथ अवेलेबल है तो उसको बचाना, उसको ठीक करना। तो उसमें ज़्यादातर फिलिंग मटेरियल्स हम जनरली यूज़ करते हैं, मगर टिश्यू इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि उससे हम जो टूथ के लेयर्स थे, हमने बताया था कि टॉप लेयर डेंटीन है और जो इनेमल है या पल्प है इसको हम रीजेनरेट, मेन हम रेस्टोरेटिव में डेंटीन और इनेमल की बात करेंगे, टॉप लेयर और सेकंड लेयर की बात करेंगे, तो वो रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री में आ जाता है। फिर हमारे पास एक और डेंटिस्ट्री की फील्ड होती है जिसको मैक्सिलोफेशियल डेंटिस्ट्री भी कहा जाता है या मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वाली बात की जाती है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का मतलब है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है और आपका अपर जॉ जिसको मैक्सिला कहते हैं या लोअर जॉ मैंडिबल सारा ब्रेक कर गया है और उसमें पूरा का पूरा आपने बोन को रिप्लेस करना है। इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम जिसमें बोन पूरी रिप्लेस होगी उसको मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का नाम दीजिएगा, और वो मैक्सिलोफेशियल का मतलब है कि फेस फेस पे और मैक्सिला मतलब मैक्सिलोफेशियल इस इन दो वर्ड से निकला है, और इस एरिया में आप जितनी भी काम करेंगे जो कि हम रिस्टोर करते हैं, कोई चीज़ ब्रेक कर जाती है, प्लेट्स लगा जाते हैं, बोन प्लेट्स आप लोगों ने सुनी होगी, बस ओरल कैविटी में छोटी लगती हैं, सॉरी मैक्सिलोफेशियल रीजन में छोटी लगती हैं, बाकी बोन्स में बड़ी लगती हैं, तो इस सारे को टिश्यू इंजीनियरिंग से रिस्टोर करना। अब टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास जो सेल्स देखे जा रहे हैं वो आप वैसे टिश्यू इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, हमें चाहिए होती हैं स्टेम सेल्स चाहिए होते हैं। स्टेम सेल्स हमारे उसमें दो किस्म के हो जाते हैं, एक अडल्ट जो कि हम अपने दांतों में से खुद या हमारे जिस्म में से खुद से निकाले जा सकते हैं इस वक्त, और एक होते हैं एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियोनिक लेवल पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एम्ब्रियोनिक तो स्टेम सेल्स कॉमन है क्योंकि उस वक्त स्टेम सेल्स ही होते हैं बॉडी में और वो ग्रो करके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स बना रहे होते हैं, और अडल्ट ये है कि कोई एक टाइप का टिश्यू है या सेल है उसको आप कंडीशन ऐसी देते हैं कि वो ग्रो करना शुरू जाता है इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, और वो या तो वो डेंटीन बनाएगा या वो पल्प बनाएगा या वो इनेमल बनाएगा या वो गम बनाएगा या वो स्किन बनाएगा। तो ये अडल्ट सेल्स में एम्ब्रियोनिक सेल्स को तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सकती हैं, अडल्ट सेल्स में ये एक चैलेंजिंग बात है जो कि अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन और इस चैलेंज को भी ओवरकम किया जा रहा है। तो ये बेसिकली आपके स्टेम सेल्स हो गए। फिर स्कैफोल्ड जिसमें उसमें अगर हमारी बोन है तो वो स्कैफोल्ड होगा जो बोन की शक्ल का होगा जो खुद अपने अंदर होस्ट करेगा स्टेम्स को जिसके अंदर ब्लड सप्लाई आ सके इवेंचुअली, और वो स्कैफोल्ड रिमूव हो जाए प्रॉपर बोन से इन जो सेल्स ने सिक्रीट की होगी या टूथ से जो इन सेल जो टूथ फॉर्मिंग सेल्स हैं उन्होंने सिक्रीट की होगी। और तो हमारा सेल्स का काम है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू जो हमें रिक्वायर्ड है, जो भी लेयर चाहिए किसी भी एप्लीकेशन में फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू सेल्स का काम है, उसको एक्सेलरेट करना, उसको तेज करना या उसको प्रॉपर कंडीशन देना किस चीज़ का काम है, वो है ग्रोथ फैक्टर्स जो कि हर लेयर फॉर्म करने के लिए डिफरेंट हो सकता है। और फिर हमने बताया कि स्कैफोल्ड वो चीज़ है जिसके अंदर आप ये चीज़ें ये प्रोसेस करो, और जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग बोन नहीं बन जाती या स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ डेंटीन नहीं बन जाती या वो पल्प टिश्यू प्रॉपर नहीं बन जाता तो या कोई लेयर गम नहीं बन जाता या स्किन नहीं बन जाती, ये सारी चीज़ें जब तक बन नहीं जाती तब तक वो स्कैफोल्ड का काम होता है उस जगह पे रहना।
अच्छा जी, अब एक बड़ी छोटी सी चीज है, अगर बोन को रिप्लेस करना है तो सॉलिड स्कैफोल्ड चाहिए होगा, अगर स्किन को रिप्लेस करना है तो मेम्ब्रेन चाहिए होगी। मेम्ब्रेन, हमें ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि मेम्ब्रेन चाहिए होती है और हमें बोन के लिए स्कैफोल्ड, एक डेफिनेटली सॉलिड स्कैफोल्ड चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने जो टूथ में पड़े हैं स्ट्रक्चर्स, उसमें सिर्फ गम ही है या पेरिडोंटल टिश्यू है जो सॉफ्ट है, तो वहां पे हमें मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, मगर जहाँ बोन आ जाती है वहां हमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल की चाहिए होगी, जरूरत होगी। अच्छा, बेसिकली अब हम अगर इसमें देखें कि इस पोर्शन में हम क्या देख रहे हैं कि आपके जो स्टेम सेल्स हैं वो आपके दो ग्रुप्स के होते हैं, एम्ब्रियोनिक और एडल्ट, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। आपके टूथ में इन एडिशन टू आइसोलेशन डेंटल पल्प, ये जो पल्प है आपके सेंटर ऑफ द टूथ जिधर ब्लड वेसल्स और सारी चीजें पड़ी होती हैं उसको पल्प कहते हैं, तो डेंटल पल्प के स्टेम सेल्स, ठीक है। अदर सोर्सेज डेसिड्यूस टीथ जो शेड ऑफ हो जाते हैं उनसे आप स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं। एपिकल पेपिला कौन सी चीज है, जो एपिक्स आपका टूथ का होता है, उस जगह पे जहाँ पल्प एंड हो रही होती है और टूथ इज सराउंडेड बाय बोन, उस एपिकल पेपिला को कहते हैं कि वहां से आप निकाल सकते हैं। और हमारी डेंटल पल्प स्टेम सेल्स पहले बता दिया यहाँ पे, ठीक है। रीसेंट स्टडी शोन दैट स्टेम सेल्स और अदर टिश्यू जैसे बोन मैरो हो गया, फैट टिश्यू, बोन का जो टिश्यू है फैट सेल्स है, और एंडोमेट्रियम आर ऑल्सो यूज टू डिफ्रेंशिएट ओडोंटोब्लास्ट और टूथ फॉर्मिंग सेल्स। तो हमने बड़ा एक ओडोंटोब्लास्ट होता है जैसे ऑस्टियोब्लास्ट होता है बोन फॉर्मिंग सेल्स, तो ओडोंटोब्लास्ट है टूथ फॉर्मिंग सेल्स इनको कहते हैं, और इससे वो बन जाते हैं। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पे ये कवर हो जाता है कि हमारे क्या क्या करना है। बेसिक मैंने आपको पेरिडोंटोलॉजी मैं बता देती हूँ। पेरियो इज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था जो ये येलो स्ट्रक्चर आपको येलो कवर में बता रहे हैं, ये वाला सारा जो कि गम है, ये कुछ ये जो टूथ बोन के अंदर होता है उसके साथ ये लिगामेंट्स से होते हैं, जैसे आपके मसल्स के लिगामेंट्स होते हैं, मगर ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये कुशनिंग एक्शन देते हैं, क्योंकि ये हार्ड टिश्यू है, ये भी हार्ड टिश्यू है, इसके बीच में एक कुशन चाहिए होता है जब आपके फोर्सेस पड़ती हैं ऊपर से, तो इधर कुशनिंग इफेक्ट आता है। तो ये भी पेरिडोंटल, पेरियोडोंटल, पेरियो सराउंडिंग डोंटल टूथ टिश्यू इसको कहते हैं, पेरिडोंटल टिश्यू भी कह सकते हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट्स भी कहते हैं। तो इसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमें चाहिए होता है। अच्छा, हमारे जो डिफरेंट इसमें हमें सेल्स चाहिए होते हैं और जो कि डिफरेंशिएट कर सकें इन स्ट्रक्चर्स में, और हमारी इसमें हम जो मेन हम कहते हैं कि जीन थेरेपी पेरिडोंटोलॉजी में बड़ी आजकल भी यूज हो रही है, जैसे मेम्ब्रेन की फॉर्म में यूज हो रही है या ग्रोथ फैक्टर्स डाले जाते हैं और यहीं पे जो चीज डैमेज हुई हुई होती है वो बेहतर होना शुरू जाती है, और कुछ इनके सेल स्ट्रक्चर्स को लिया जाता है और उससे ये चीजें बनाई जाती हैं जो पेरिडोंटल एरिया को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, ये एक दफा मैं पढ़ लेती हूँ कि इसमें पेरिडोंटोलॉजी में पर्टिकुलरली पेरिडोंटाइटिस इज इंफ्लेमेटरी, अच्छा पेरिडोंटल इन्फेक्शन जो है, ये जिंजिवाइटिस भी कहते हैं, पेरिडोंटाइटिस भी कहते हैं, इन्फेक्शन ऑफ सराउंडिंग ऑफ द टूथ इसको कहते हैं। इसमें जो टिश्यू लॉस हो जाता है उसको हमें मेम्ब्रेन चाहिए होती हैं, या वही वही अब बात हो गई, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है, मेम्ब्रेन की जरूरत होगी। ग्रोथ फैक्टर्स की मैंने पहले बात कर ली है, इसको ट्रीट करना है, और सेल फॉर्मिंग द पेरिडोंटल लिगामेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। हमने वही स्टेम सेल्स हैं उनके साथ हमने कह दिया पेरिडोंटल लिगामेंट।
were able to distinguish osteoblast and cementoblast in vitro condition, and were also capable of converting the cementum and ligament tissue in vivo condition. अच्छा, ये बेसिकली इन्होंने कहा कि पेरिडोंटल लिगमेंट स्टेम सेल्स अगर हम लें, दैट इज कि हम पेरिडोंटल लिगमेंट के जो पैरियों के सराउंडिंग वहां से स्टेम सेल लेंगे, तो इसके साथ जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो रूट की आउटर लेयर होती है उसको सिमेंटम कहते हैं, तो जो रूट की सराउंडिंग लेयर है वो भी बना देता है और लिगमेंट टिश्यू भी बना देता है, जो कि ये वाला लिगमेंट टिश्यू हमने यहाँ पे देखा था और ये माइस में हो चुका हुआ है. अच्छा, इसके अलावा स्टेम सेल्स का यूज सिग्नल्स ऑन स्केफोल्ड इम्प्लांटेशन लिजन एरिया में, कहीं पे लिजन है वहां पे आपको बोन को जब रिप्लेस करना है, मैंने आपको बताया था कि वहां पे स्केफोल्ड ऐसा चाहिए होता है, मेम्ब्रेन से काम नहीं बनता, स्केफोल्ड चाहिए होता है, इम्प्लांट आप वहां पे कर देते हो और वहां पे स्टोरेज सेल्स भी और ग्रोथ फैक्टर डालते हैं, तो वो हम रीजेनरेट कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर हमें ये पता है कि हमारे पास ये एरिया है जिसको हमने रिप्लेस करना है, तो बेसिक हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सेल से हमने पूरा टिश्यू बनाना है, वो सेम कॉन्सेप्ट हर जगह चलेगा. सॉफ्ट और हार्ड का मैंने बता दिया, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू का कॉन्सेप्ट था जो चल रहा था. अच्छा, कमिंग बैक टू द आर्टिकल, अब हम आ जाते हैं पेरीडोंटोलॉजी से एंडोडोंटिक्स पे. एंडोडोंटिक्स जो है हमारी बेसिकली क्या है, एंडोडोंटिक्स है एंडो, आपको एंडो ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. एंडोडोंटिक्स वो वाला हिस्सा है जो सिर्फ जो पल्प का टिश्यू है उसको ठीक करने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको एंडोडोंटिक्स कहते हैं. ये रूट केनाल ट्रीटमेंट जो है वो एंडोडोंटिक्स शामिल होती है. बेसिकली जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है और नर्व सप्लाई होती है टूथ की, वो इसके पल्प चेम्बर में पड़ी हुई होती है, इनसाइड द टूथ, इनसाइड द लेयर्स, और ये गम के अंदर एरिया होता है जो रूट पोर्शन अंदर की तरफ हमें नजर नहीं आता, और इसका टॉप लेयर आपकी वही टूथ हो गया. तो ये वाला जितना एरिया है जिधर आपकी ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई यहाँ से नीचे से आ रही है बोन से, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होगी, ये हमने याद रखना है. तो इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट होती है वो एंडो की फील्ड में आती है. डोंटिक्स टीथ से निकला है, एंडोडोंटिक्स मतलब जितनी भी आपकी रूट केनाल ट्रीटमेंट है. तो यहाँ पे बेसिकली आपका प्रॉब्लम ये होता है कि पल्प जो है वो नेक्रोटिक टिश्यू बन जाता है, डैमेज जब हो जाता है, मतलब ये कि खराब टिश्यू हो जाता है, डैमेज्ड पल्प हो जाती है. तो डैमेज पल्प के अंदर हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि खुद अगर डैमेज हो तो इनिशियली क्या करते हैं कि एक ओडोंटोब्लास्ट उनके अंदर जो हैं वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं स्टेम सेल्स, और ओडोंटोब्लास्ट आपकी बनाती है डेंटीन की लेयर या हार्ड लेयर, तो या टूथ फॉर्मिंग लेयर जिसको कहते हैं. तो इसके बाद जो ये एक लेयर जो बनाती है ये विद इन द डेंटल पल्प होती है, ठीक है. तो जो इसमें टिश्यू इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट नेचुरली भी होता है ये, बट आपकी जो रीजेनरेशन और टिश्यू इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से अगर हम करवाना चाहें, जिसको स्पीड अप करवाना चाहें, इसको जो खराब टिश्यू है उसको निकाल दें और वहां पे स्टेम सेल्स छोड़ दें, और स्टेम सेल्स के अलावा आप ग्रोथ फैक्टर छोड़ दें या ओडोंटोब्लास्ट सेल्स छोड़ दें जो कि वहां पे डेंटीन को रिपेयर कर देगी, तो जो ओपन नर्व है और ओपन आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो कवर हो जाएंगी विद डेंटीन, और वहां का इन्फेक्शन आपने नेक्रोटिक रिमूव कर लिया, एंड देन उससे आप ठीक कर सकते हैं. अब इसको इसमें वैसे जो हम रूट केनाल ट्रीटमेंट करते हैं वो ये होती है कि हम सारा नर्व और ब्लड निकाल देते हैं, ऑल टुगेदर क्लियर कर देते हैं, और क्लियर करने के बाद उसको एक रूट केनाल फिलिंग मटेरियल से फिल कर देते हैं जिसको रूट केनाल ट्रीटमेंट कहते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आप सारा निक्रोस टिश्यू निकाल दें और इंजेक्ट कर दें विद स्टेम सेल्स और आफ्टर डिसइंफेक्टिंग दैट होल चैनल, और फिर उसकी और हाँ जी, उसके बाद इसको जो मेथड है इसको डायरेक्ट इंजेक्शन मेथड कहा जा रहा है,
और इससे आप रिजेनरेट कर सकते हैं सारी चीज को। उसके अलावा हम कहते हैं कि कई यंग पेशेंट्स में आपके पूरी नहीं हुई होती, नीचे की रूट फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, ये एपेक्सिफिकेशन नहीं हुई होती, तो उसको इमेच्योर टीथ में हम जो है एपेक्स लेवल पे उसको रीजेनरेट के लिए भी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यंग टीथ के यही स्टेम सेल्स भी यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर एपेक्सोजेनेसिस, जिसको कहते हैं इसको एपेक्स कहते हैं, बिल्कुल जो टिप होती है इसकी, उसको जो रूट की टिप होती है उसको एपेक्स कहते हैं। तो ये कई दफा बंद नहीं होती, बंद नहीं होती तो इसकी वजह से आपका इन्फेक्शन के चांसेस, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए या ये बंद ना हो, या इंजरी का डर होता है, और प्रॉब्लम भी होते हैं, आपकी रूट फॉर्मेशन कंप्लीट होती है जब आपकी एपेक्स क्लोज हो जाती है, तो इमेच्योर टूथ में। तो वो अगर नहीं हो रही, ऊपर कोई इंजरी है और कोई मसला है, तो उसके लिए भी आप स्टेम सेल की एप्लीकेशन से एपेक्स क्लोजर की जा सकती है। उसके अलावा इसके सराउंडिंग बोन को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, अगर बोन में हमारे यूजुअली लिजन हो जाए या कुछ हो जाए उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो रीजेनरेटिव एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन केपेबिलिटी ऑफ स्कॉलर्स इन क्रिएटिंग अ टेक्निक विच अलाउज द डेंटिस्ट टू जनरेट अ पल्प फंक्शनल टिश्यू इन द डिसइंफेक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड चैनल। बेसिकली इसमें जो चैलेंज है वो यही है कि जब हम रिमूव करते हैं तो उसके अंदर जब हम इंजेक्ट करें तो वहां पे असल में रीग्रो वो करना शुरू हो जाए, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा सेल ग्रोथ, और ऐसा जो मैंने आपको बताया जो स्ट्रक्चर सेल चाहिए, ग्रोथ फैक्टर चाहिए, और अगर उसके अंदर आपने कोई जो एम्प्टी स्पेस होती है वो कोई स्कैफोल्ड डाल के उसके अंदर डालने हैं, तो ये सारा प्रोसेस ये है जो चैलेंज। और यंग पेशेंट्स में रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी ने ये क्लिनिकल ट्रायल किया है और उनके स्टेम सेल से उनकी पल्प थेरेपी की है, जिसको एंडोडोंटिक्स भी कहा जाता है। तो दिस यंग पेशेंट्स में और यंग टीथ में एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि एक्सफोलिएट हो जाने होते हैं, उसमें उस लेवल पे ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में टिश्यू इंजीनियरिंग ऑफ जॉइंट हो सकती है, जॉइंट में जो आपका जॉइंट है वो कोई कहीं भी हो, वहां पे कार्टिलेज होती है, बोन होती है, मसल होती है, लिगमेंट्स होती हैं, तो आपके अगर कार्टिलेज है तो आपको कॉन्ड्रोसाइट्स चाहिए, जो भी सेल हो वो कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाए, बोन है तो बोन रीजेनरेशन चाहिए, लिगमेंट्स हैं तो लिगमेंट्स की फॉर्मेशन चाहिए, और अगर मसल है तो मायोब्लास्ट, जो मसल फॉर्मिंग सेल्स हैं वो चाहिए होते हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन से आप टिश्यू इंजीनियरिंग ऑफ द होल जॉइंट कर सकते हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये बिल्कुल कान के पीछे होता है, जो हम बात करते हैं और जॉ ऊपर नीचे करते हैं मैग्जिला और मैंडिबल के बीच में, ये बेसिकली वो जॉइंट है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो इसका भी बेसिक यही कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाती है टिश्यू इंजीनियरिंग ऑफ स्किन एंड ओरल मिकोजा। अब स्किन, सरफेस ऑफ द स्किन ठीक हो गया, और ओरल मिकोजा वो है जो पिंक हमें सारा ओरल कैविटी में नजर आ रहा है, जो सरफेस कवर कर रहा है आपकी इनसाइड द ओरल कैविटी। तो आपकी स्किन और ओरल मिकोजा अगर लॉस हो जाता है उसके लिए, या ट्रॉमा हो जाता है उसके लिए मेजर सर्जरीज होती हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट जो हमारे पुराने थे वही स्किन ग्राफ्ट से एपिथिल, अब ये है कि कल्चर्ड एपिथिलियल लेयर्स, जो कि आपने लेयर ऑफ हार्ट में जैसे पढ़ा है, तो इसी तरह कल्चरिंग होती है, सेल्स बनते, इन सारे सेल्स को उसी तरह कल्चर किया जाता है, हर एक का मेथड थोड़ा, या इनिशिएशन या फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स की कंडीशन थोड़ी फर्क होती हैं, या ओरिजिन वाले जो हमने सेल कल्चरिंग के लिए लिया है वो डिफरेंट हो सकता है, बट प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही होता है। उसको भी इंक्यूबेटर में, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर में या ऑक्सीजन, ये डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या चाहिए, उसको इंक्यूबेटर में कल्चर किया जाता है। तो इसमें हम फोरस्किन न्यूनेटल बेस्ड सेल से इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, बट आप इसमें टिश्यू इंजीनियरिंग ऑफ स्किन एंड ओरल टिश्यू में बस ये याद रखें कि ओरल मिकोजा को रीजेनरेट करना है, और इसमें एपिथीलियम फॉर्मेशन करनी है, और जो उसके नीचे एक और लेयर, मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, तो आपने अगर गम रीजेनरेट करना है और खाने
खाली स्किन रिजनरेट करनी है तो गम में जिंजिवल सेल्स हो जाएंगे और स्किन है तो एपिथीलियम की डिफरेंट एपिथीलियल लेयर्स हो जाएंगी. तो इसमें एक प्रोडक्ट ऑलरेडी ओरल मिकोजा इज फॉर्म्ड ऑफ स्क्वेमस सेल एपिथीलियम विच कवर्स द लेमिना प्रोपरा. एट प्रेजेंट मल्टी लेयर कल्टिवेशन ऑफ जिंजिवल केरेटिनोसाइट हैज रिजल्टेड इन सम रिलेटिव सक्सेस एंड कुड बी अप्लाई इन बायो कंपैटिबिलिटी टेस्ट एंड स्टडीज ऑफ द ओरल बायोलॉजी. कमर्शियल प्रोडक्ट्स सच एज स्किन एथिक्स जिंजिवल एपिथीलियम एंड केरेटिनाइज एपी ओरल स्क्वेमस एपिथीलियम प्रोडक्ट्स आर करंटली इन स्टॉक. अच्छा, इस इतने सारे मुश्किल वर्ड के बजाय सिर्फ ये है कि ओरल मिकोजा में आपके पास मेम्ब्रेन्स डिफरेंट इन स्टॉक अवेलेबल हैं और वो ओरल मिकोजा में भी कर सकते हैं और स्किन लेयर्स की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल भी हैं और उस पर कंटिन्यूड रिसर्च भी चल रही है. दैट्स इट, वी डोंट नीड टू राइट ऑल दीज डिफिकल्ट टर्म्स फॉर दैट. उसके बाद हमारे पास आते हैं टिश्यू इंजीनियरिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकता है. सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड. अगर हमें कोई रेडिएशन एक्सेस हो जाए तो सलाइवा प्रोडक्शन खत्म हो सकती है. अगर डायबिटीज हो जाए तो सलाइवा प्रोडक्शन खत्म हो सकती है. कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए जिसमें आपका अपनी बॉडी आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है तो उसमें भी शॉग्रिन सिंड्रोम जिसको कहते हैं इधर लिखा हुआ है बट ये इतना मुश्किल वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है. रेडियोथेरेपी, डायबिटीज या ड्राइनेस ऑफ माउथ या लॉस ऑफ सलाइवा जो है दैट हैज लिंक विद द सलाइवरी ग्लैंड का प्रॉब्लम या उसका इन्फेक्शन भी ये काम कर सकता है. अब सलाइवरी ग्लैंड भी एपिथीलियल सेल्स स्किन से बने हुए होते हैं और ये वाले जो सेल्स हैं इनमें सिर्फ एपिथीलियल सेल्स नहीं होते. एपिथीलियल सेल्स में डिफरेंट फंक्शन भी करने होते हैं. मतलब ये कि इसने डक्ट्स भी बनानी है, इसने ऐसी चीज बना मतलब डक्ट्स वो सिस्टम है जो पाइप टाइप बनाने हैं जिसमें से सलाइवा बाहर को आएगा. सलाइवा प्रोडक्शन वाली चीज भी बनानी है. मस्कुलर एपिथीलियम टाइप इसको जो पूरे ग्लैंड को कवर कर रही होती है वो भी बनानी है. तो ये सारे पूरा सलाइवरी ग्लैंड कोई एक सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता. एवरी लेयर हैज टू बी प्रोड्यूस सेपरेटली एंड देन जॉइनिंग इट ऑल टुगेदर इज अ वेरी बिग टास्क. जैसे हार्ट मसल्स में आप लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है. तो एक इन्होंने बोन मेरो से डिफ्रेंशिएट किया है. एस एन आई सेल्स वन ऑफ द सेल्स ऑफ दिस सलाइवरी ग्लैंड. तो बेसिकली मगर किसी एक एक सेल की टाइप में स्टेम सेल्स की टाइप कोई नहीं मिली कि जो कि डिफ्रेंशिएट कर दे इन सारे टाइप ऑफ सेल्स एट अ टाइम में. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इम्प्लांट थेरेपी. इम्प्लांट आपके हैं जो आप स्क्रूज टाइप चीज बेसिकली इम्प्लांट करते हैं इनसाइड द बोन और उसके ऊपर फिर टूथ का क्राउन टाइप बना देते हैं. तो जो रूट पोर्शन अगर रिप्लेसमेंट कहें तो उसको इम्प्लांट कहते हैं और उसके जो टॉप हिस्सा है उसको आप क्राउन का नाम ही देते हैं या कैप उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो रिप्लेसमेंट हो जाती है. अच्छा, इसमें ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बोन है अगर वो स्ट्रांग नहीं है और बोन लेंथ बहुत कम है तो हमें बोन को बढ़ाने के लिए काफी प्रॉब्लम्स होते हैं. मतलब ये कि एक टूथ अगर गिर गया है तो इसका मतलब है बोन वीक थी जो टूथ गिर गया है. अब बोन वीक है, थिन है, उसको थिक भी करना है, बड़ा भी करना है और उसमें फर्दर सपोर्ट भी देनी है एक पूरे दांत को जो कि इम्प्लांट है. अब आप इमेजिन करें कि एक कील से आप पूरा फ्रिज नहीं लटका सकते तो या एक टेबल या एक पट्टी के ऊपर आप एक छोटा कील लगा लें और उसके बाद उसके ऊपर कोई बड़ी चीज लटका दें तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें बोन हेल्दी चाहिए फॉर एन इम्प्लांट. तो बोन हेल्दी ना हो तो उसके लिए हमें बोन की रीजेनरेशन चाहिए होती है. बोन की रीजेनरेशन वही मैंने आपको बताया था कि सेल्स चाहिए, स्कैफोल्ड्स चाहिए, उसके अलावा ब्लड सप्लाई चाहिए उसमें और टिश्यू इंजीनियरिंग से बोन फॉर्मिंग सेल्स जो ऑस्टियो ब्लास्ट होते हैं वो चाहिए और ये सारी चीजें हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बोन फॉर्म कर देती है. जब एक दफा बोन फॉर्म कर जाती है तो उसमें ये होता है कि आप रूट फॉर्म ऐसे करते हैं कि वो स्क्रू टाइप चीज होती है जो कि उसके अंदर
इम्प्लांट को डाल देते हैं ऊपर, ये हिस्सा हो जाता है। और उसके अलावा इसके बाद इसके ऊपर फिर जब ये इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है और इसका हिस्सा बन जाता है तो हम क्राउन कर देते हैं। और आपकी जो बोन है वो यूजली टीथ के निकलने के बाद भी और ना यूज होने की वजह से बहुत थिन कई दफा हो जाती है। ये आपको मैं बोन थिन इतना बता रही हूँ कि ये आपका लोअर जॉ हो और बहुत थिन हो जिसमें दांत नहीं होंगे। तो इसको आपने लेयर बाय लेयर बढ़ाना होता है और इसको मोटा करना होता है ताकि इसमें आप थ्रू एंड थ्रू जैसे दांत था इस तरह आप रूट वाला टूथ बना के दैट इज इम्प्लांट डाल सकें। तो इसके लिए भी आपकी जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो डिफरेंट मेम्ब्रेन हैं, जीनोग्राफ्ट जो कि एनिमल ओरिजिन के हैं, या आर्टिफिशियल हाइड्रोक्सीपेटाइट बोन रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। तो बोन टिश्यू इंजीनियरिंग जो है ये ऑल्टरनेटिव है जिसमें आप अगर बोन फॉर्मेशन कर लें और इससे हम सारा वो चीज़ अचीव कर लें तो ये पॉसिबल है। सिरेमिक बड़े पॉपुलर हैं बोन में क्योंकि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खुद हीमोस्टेटिक भी है और उसके अंदर सेल ग्रो भी कर सकते हैं। तो पोरस अगर आप स्कैफोल्ड के तौर पे सिरेमिक को यूज कर लें, अंदर सेल्स ग्रो करवा दें तो आप एक एरिया बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज है ऑस्टियो कंडक्टिव प्रॉपर्टी। ऑस्टियो कंडक्टिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जिधर बोन ग्रो कर सके उसको ऑस्टियो कंडक्टिव कहते हैं। तो बेसिकली हम हर एप्लीकेशन में हमें जो भी स्ट्रक्चर अंदर डालना होता है, अब मटेरियल हो या टिश्यू इंजीनियरिंग, वहाँ पे बायो कंपैटिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है आपकी उस टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए। अब इसमें भी आप यूज ऑफ हाइड्रोजन फॉर कवरिंग इम्प्लांट्स वुड मेक द कल्चर ऑस्टियोब्लास्ट इन द इम्प्लांट्स एंड देयर बेटर ऑस्टियो इंटीग्रेशन पॉसिबल। अच्छा एक और चीज जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें इम्प्लांट में बोन का हिस्सा बनना है, अगर हम हाइड्रोजेल से इसको थोड़ा सा कवर कर दें ताकि इजीली यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट और उसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर डाल दें, बोन फॉर्मिंग लेयर डाल दें, तो वहां पे ऑस्टियो इंटीग्रेशन बहुत जल्दी से हो सकती है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको हम इम्प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपके ग्रोथ फैक्टर वही मैंने बताया था, सेल्स ग्रोथ फैक्टर और सेल्स में ऑस्टियोब्लास्ट क्योंकि बोन हमने चेंज करनी है, और इससे हम इम्प्लांट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे सकते हैं और बोन फॉर्म कर सकते हैं। ओके लास्टली आई थिंक इसके बाद ये वाली फील्ड है, हाँ नहीं, क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट जो हैं, क्लेफ्ट क्या है और पैलेट क्या है, आपका जो तालू है बेसिकली वो पैलेट है। क्लेफ्ट मतलब ये कि आपका जो पैलेट है जो अपर जॉ है उसमें टीथ होते हैं, बट सेंटर में जो आपकी जुबान जहाँ टच करती है दैट इज द पैलेट, दिस इज द पैलेट, होल पैलेट, ठीक है। और इसके पीछे वो टॉन्सिल्स होते हैं और ये गले वाला एरिया हो जाता है। सॉफ्ट पैलेट होता है एक आधा और मैक्सिमम आपका हार्ड पैलेट होता है। तो क्या होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका एक सिस्टम जो है वो कंप्लीट फॉर्म नहीं किया होता, जब दैट मींस कि आपके एक जो जर्म लेयर है वो उसमें ज्वाइन नहीं किया होता आपस में, तो यहाँ पे क्लेफ्ट बन जाता है, खाली एरिया बन जाता है इन द अपर बोन। और बच्चे जो हैं ऐसे बच्चे ना दूध पी सकते हैं, देखे ना फीडर पी सकते हैं, और इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है जब तक ये एरिया क्लोज नहीं होता। तो डेंटिस्ट यूजली इनको एक चीज कवर करने के लिए एक डिवाइस बना देते हैं उसको कवर करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग। और दूसरा इसका तरीका होता है कि इसको इस एरिया को सॉफ्ट टिश्यू से कहीं से टिश्यू लेके इसको ज्वाइन किया जाता है, या इसके अंदर आर्टिफिशियल चीज डाल के इसको ज्वाइन किया जाता है। तो आइडियली बहुत आइडियल होगा कि यहाँ पे टिश्यू इंजीनियरिंग करके हम ऐसे सेल्स डाल दें कि वो नेचुरली जो ग्रोथ के दौरान जो बच्चे की लेयर्स बन रही होती हैं और बच्चे की बर्थ से पहले जो भी उसकी फॉर्मेशन ऑफ पैलेट होनी होती है, जो रह गई होती है, हम वो प्रोसेस जो है उसकी पैदाइश के बाद यहाँ पे टिश्यू इंजीनियरिंग के साथ कर दें, तो दैट वुड बी आइडियल कंडीशन जिससे बच्चे को सर्जरीज से बच जाएगा, एक्सेसिव प्रोसीजर से बच जाएगा,
एंड अर्ली एज पे किसी प्रोस्थीसिस का इस्तेमाल करना इज वेरी डिफिकल्ट, उन सारी डिफिकल्टीज से बच जाएगा. तो क्लेफ्ट पैलेट का वो पेशेंट होता है, आपने देखा होगा होंठ नहीं जुड़े हुए होते, बीच में एक एरिया होता है, अगर कोई बच्चा आपने देखा है, वरना आप क्लेफ्ट पैलेट लिखें तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी या कहीं भी आपको उनकी पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी. अब हम आते हैं रेस्टोरेटिव पे. रेस्टोरेटिव मैंने आपको बताया रिस्टोर करना किसी चीज़ को, और हम डिकेज को डिफरेंट मटेरियल से रिस्टोर करते हैं, फिलिंग मटेरियल से. और एनिमल स्टडीज हो चुकी हैं डेंटीन को रीजेनरेट, जो इनर लेयर है उसको रीजेनरेट करने के लिए, जो आउटर लेयर है, जो बिल्कुल इनर लेयर है वो है आपकी, जो बिल्कुल अंदर की तरफ है वो तो आपके नर्व और टिश्यू पड़ा होता है, नर्व और ब्लड सप्लाई है ना, उससे ऊपर जो है वो डेंटीन है, जो कंपैरेटिवली इतनी टफ नहीं होती और उसमें सेंसिटिविटी होती है अगर एक्सपोज हो तो. वो उस तक एक्सपेरिमेंट हुआ है. डेंटीन रीजेनरेशन हम ओरिजिनल लाइफ में भी देखते हैं कि पेशेंट जो है वो को प्रॉब्लम हो तो नेचुरली जो आपके पल्प के सेल्स हैं वो उसको ठीक कर देती है, कभी कभार रिपेयर कर देती है. बट जो इनेमल है उस पे बहुत काम हो चुका है, उसकी रीजेनरेशन इज वेरी डिफिकल्ट. और आपके जो इनेमल है अमीलोब्लास्ट से बनती है, या मैं आपको ये कहती हूँ इनेमल फॉर्मिंग सेल्स से बनती है. और इनेमल फॉर्मिंग सेल्स जो हैं वो जब बच्चे की जर्म लेयर्स या दांतों की जर्म लेयर्स खत्म होती है और जूं ही मुंह के अंदर दांत आ जाता है तो उसकी इनेमल फॉर्मिंग सेल्स मर जाते हैं. पल्प के अंदर आपके डेंटीन फॉर्मिंग सेल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से हम ये चीज अचीव कर सकते हैं. फिर आ जाते हैं प्रोस्थोडोंटिक्स. प्रोस्थो में मैंने आपको कहा था मिसिंग टीथ को रिप्लेस विद डेंचर, आपका जो बतीसी जिसको कहते हैं डेंचर से या इम्प्लांट से रिप्लेस किया जाता है, उसमें शॉर्टकमिंग्स हैं डेफिनेटली. डेंचर बार बार उतारना पड़ेगा, उसका अपना इन्फेक्शन हो सकता है. जो इम्प्लांट है उसमें बोन में दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, री इन्फेक्शन के कॉजेज हो सकते हैं. इम्प्लांट में ये वाला मैकेनिज्म जो कुशन वाला है मैकेनिज्म है प्रॉपर पेरिडोनशियम का वो नहीं होता, ये डायरेक्ट बोन के साथ अटैच होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं. तो आइडियली तो रीजेनरेट करें पूरा टीथ, ठीक है, और टूथ फॉर्मेशन एक्स वीवो, टूथ फॉर्मेशन इन वीवो, मतलब इन वीवो है डेफिनेटली, एक्स वीवो बाय, ये दो मेथड्स हैं. बेस्ड ऑन द लेटर अप्रोच द प्लांटेड स्टेम सेल्स ऑन अ स्केफोल्ड कैन बी ट्रांसप्लांटेड इन द बॉडी. आप ये करते हैं कि स्टेम सेल्स को आउट ऑफ द बॉडी एक्स वीवो जो है उसमें आपने आउट ऑफ द बॉडी एक स्कैफोल्ड टाइप बनाया, उसके अंदर वही सेल्स डाले जो सारी लेयर्स के हैं और पूरा एक टूथ रीजेनरेट किया आउटसाइड इन द लैब ऐसी कंडीशंस देके. और उसके बाद आपने उसका पूरा टूथ जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया इन द ओरल कैविटी. और दूसरा तरीका है जी कि पेश टूथ फॉर्मेशन आप करते हैं विद इन द ओरल कैविटी या उसी के अंदर जो भी टूथ जर्मिनेशन प्रोसेस से, ठीक है. अब जर्मिनेशन इम्प्लांटेड टूथ यहाँ पे लिखा हुआ है, द अदर प्रॉब्लम इज जर्मिनेशन ऑफ इम्प्लांटेड टूथ इन दैट द डेंटल फॉलिकल विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टूथ जर्मिनेशन इज एब्सेंट इन दीज कंडीशन. अब आपने दांत बना लिया मगर वो मुंह का हिस्सा जो है वो उस तरीके से नहीं बनेगा जैसे टूथ स्ट्रक्चर नेचुरली बनाता है. तो जर्मिनेशन इज बेसिकली वो प्रोसेस है जो हमारे दांतों के अंदर होता है जब हमारा बेबी टूथ ओरल कैविटी में होता है और हमारी दूसरी जर्म लेयर्स जो हैं वो परमानेंट टूथ बनाना शुरू कर देती हैं विद इन द जॉ. तो वो प्रोसेस हमें कोई इनिशिएशन जो है वो नेचुरली पहले से नहीं है कोई चीज़, तो उसकी इनिशिएशन एक और हम ये सारा प्रोसेस कैसे करें, दिस इज चैलेंज राइट नाउ. और मेनी क्वेश्चन आर पोस्ट कंसर्निंग द बेस्ट सेल्यूलर सोर्स ऑफ डेंटल टिश्यू इंजीनियरिंग एंड डिफाइनिंग द बेस्ट स्कैफोल्ड अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर एंड सिंथेटिक वंस एज वेल एज ग्रोथ फैक्टर इज चैलेंजिंग टास्क. मोर ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ सेल्यूलर इम्प्लांट एंड स्कैफोल्ड ऑफ बाय द इम्यून सिस्टम एंड द
ट्यूमरोजेनेसिस ऑफ सेल्स, मतलब ट्यूमर सेल्स बन जाए उसके, और या इम्यून सेल्स जो है, इम्यून रिस्पॉन्स आपका रिजेक्शन की तरफ उसको ले जाए, तो ये सारी चीजें जो है वो देखनी है, जो कि अभी तक इस पे 100% कोई परफेक्ट काम नहीं हुआ. प्लस हम इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं कि आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करने के लिए नेचुरली जब इतने इयर्स लगते हैं, तो इस प्रोसेस को अगर हम रिप्लिकेट कर भी लेते हैं तो क्या वी नीड टू स्पीड अप. आज किसी का दांत खराब हुआ, उसको रिप्लेसमेंट विद इन डेज चाहिए होगी. आप उसको 8 साल का टाइम नहीं दे सकते कि हम खराब दांत से कोई स्टेम सेल निकालते हैं और हम आपका नया सेल टूथ बनाते हैं. दैट वुड टेक अबाउट 6 ईयर्स, तो दैट वुड नॉट बी बेनिफिशियल. तो स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग, फॉर्मिंग द होल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो हैं अदर चैलेंजेस इन टिश्यू इंजीनियरिंग. तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू जी.